फ्रेंड्स, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कम टू एन एंड क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, कम टू एन एंड एक फेज वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना या कोई चीज अब न रहना। यानी जब हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहा हूँ जहाँ हम कहें कोई चीज अब रहने वाला नहीं है या अब खत्म हो जाएगा, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप फेज वर्ड कम टू एन एंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि काम आखिरकार खत्म हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द वर्क हैज फाइनली कम टू एन एंड, यानी आखिरकार काम खत्म है या काम पूरा हुआ। अगर आपको कहना हो कि आखिरकार स्ट्राइक खत्म हुआ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फाइनली द स्ट्राइक केम टू एन एंड, यानी आखिरकार यह स्ट्राइक खत्म हुआ। अगर आपको कहना हो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई लव विल नेवर कम टू एन एंड फॉर यू, यानी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई चीज अब खत्म होने वाला है या खत्म है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप फेज वर्ड कम टू एन एंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।